गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये सुबह का समय है, आप देख रहे हैं किचन में सुबह सुबह इस तरह से धूप आती है, तो कुछ अच्छाइयाँ भी हैं इस मकान में, कुछ बुराइयाँ भी हैं। मैं बताऊँगी आगे चल के क्या है। और ये बर्फ़ निकाला है लस्सी में डालने के लिए, तो बाबू उसी बर्फ़ को निकाल रहा था, इसका भी ब्रश वगैरह हो गया है। और पहले ये आज जगा था, फिर मैं जगी हूँ, तो यहाँ पर लस्सी बनाने आ गई हूँ, जो सुबह का डेली का रूटीन होता है। तो किचन वगैरह इस मकान में काफ़ी बड़ा है, धूप आती है, बालकनी में भी आप लोगों ने सारा चीज़ देखा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इतने सालों से रह रही हूँ, मकान कभी पेंट नहीं कराया जाता है। इसको दीपावली दुर्गा पूजा में नयापन होना चाहिए, लेकिन ये सब नहीं होता, इसीलिए। और कवर्ड वगैरह इस मकान में नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने सोचा था मकान चेंज करने को। लेकिन मेरे साथ तो चूँकि दूसरा सिचुएशन हो गया है अभी, तो अभी तो थोड़ा समय है। तो यहाँ पर 3 गिलास लस्सी के लिए मैं दही ले लूँगी और बर्फ़ डाल दूँगी और मात्रानुसार चीनी डाल दूँगी। मेरे हस्बैंड बोलते हैं नमक वाला बनाया करो, लेकिन बेटा बोलता है चीनी वाला बनाया करो, मुझे भी चीनी वाला ही अच्छा लगता है। तो अब मुझे दोबारा 2 बार मेहनत करना पड़ेगा नमक वाला चीनी वाला बनाने के लिए, तो मैं एक ही जैसा बना देती हूँ। और ये कढ़ी का पत्ता आप मिक्सी के बगल में रखा हुआ देख रहे हैं, ये भी मैंने बाबू से ही मंगाया है। डियर, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, ज़्यादा सांस फूल रही है, मुझे थोड़ा सा अधिक प्रॉब्लम होता है इस कंडीशन में। तो ये कढ़ी का पत्ता बाबू ला के दिया, तो आज बोला पनीर पराठा। आज इसका 3रा दिन है स्कूल का, तो पहले दिन पनीर पराठा, दूसरे दिन पनीर की सब्ज़ी और रोटी दिया था हमने, पूरा घी में डुबो कर रोटी। आज फिर बोला पनीर पराठा, तो पनीर को मैंने शाम में ही मेस करके रख दिया था, क्योंकि मुझे लगते रहता है कभी मैं अचानक ना तबीयत खराब मेरी हो जाए। तो यहाँ पर लस्सी तैयार हो गया है। तो आज पहले दिन मैंने पनीर पराठा और सॉस दिया था, तो स्कूल में सॉस मना कर दिया गया था, तो मैं सोच रही थी आज इसको क्या दूँ। पनीर पराठा के साथ बोल रहा था, बस खाली पनीर पराठा ही दे दो बिट्टू। लेकिन मैंने सोचा कुछ देखती हूँ, खीरा वगैरह भी है, अगर मैं बना सकी तो रायता बना दूँगी। तो पहले लस्सी इसको पीने दे देती हूँ, हम लोग भी पी लेंगे। फिर ये मैं झाड़ू, बड़ा झाड़ू लिया है हमने, तो उसको मैं पहले ही झाड़ू दे देती हूँ धीरे धीरे। और कढ़ाई रात में ही धोकर रख दिया था, 2-3 कढ़ाई है, लेकिन धो लेती हूँ जितना मेरे से संभव होता है, क्योंकि काम करने वाले भी जो है ना, वो सिचुएशन देखकर मौके का फ़ायदा उठाती है। वो समझ रही है कि ये कर नहीं पाएगी, तो कभी बोलती है अधिक बर्तन हो जाता है, कभी बोलती है पैसा बढ़ाइए, इस तरह कर करके। तो यहाँ पर मैंने कढ़ी का पत्ता धो लिया है और सरसों लिया है, सोच रही हूँ थोड़ा सा इसमें मैं बीन्स डाल दूँगी, थोड़ा टमाटर डाल दूँगी, थोड़ा पनीर मसाला डाल दूँगी, बिल्कुल अलग अलग तरीके से दूँगी, जिससे कि बच्चा खुश होकर जाए। लेकिन ये रोने लगता है स्कूल में, बोलता है मैम लोग माइक लगा कर बोलती है, तो मुझे डर लगता है बिट्टू, अब नया स्कूल है मुझे लगता है इसीलिए। तो डियर, अभी पंखे में बैठकर मैं वॉइस ओवर कर रही थी, इसीलिए थोड़ा क्लियर आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो आप लोग जो चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए, आप लोगों के कमेंट को मैं पढ़ती हूँ। तो आशा करती हूँ आप लोग इंजॉय कर पा रहे होंगे। मैं सुबह से शाम तक दिखाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है कभी कभी। मैं गुरुवार को आई हूँ यहाँ पर मायके से, और शुक्रवार से मैं ठीक ठाक काम कर रही थी, और आज जो भी आप देख रहे हैं वीडियो, ये गुरुवार का ही है। लेकिन आज मेरी तबीयत गड़बड़ लगने लगी है, और मैंने उस तेल में थोड़ा सरसों और कढ़ी पत्ता डाल दिया, मिर्ची वगैरह नहीं डाला, बीन्स डाल दिया, टमाटर डाल दिया, नमक हल्दी डाल दिया, थोड़ा सा फ्राई होने के बाद पनीर डाल दिया, और इसको इसमें थोड़ा पनीर मसाला सब डाल दूँगी, आटा मिला के रख लिया है। और उसके बाद अभी 2 पराठा बनाऊँगी, एक बाबू को भी खिलाऊँगी, एक टिफ़िन में दूँगी, फिर 2-4 और बना लूँगी, 2 मैं नाश्ता करूँगी इनको दूँगी, और फिर मैं इसी तरह से सब कुछ मेरा इधर रेडी है। अब मैंने सोचा थोड़ा रायता बना लूँ, तो यहाँ पर मैं 3-4 खीरे का बना लेती हूँ, हम लोग भी खा लेंगे। गर्मी के मौसम में दही छाछ का जितना आप प्रयोग करिए उतना अच्छा होता है, क्योंकि दूध इस मौसम में पिया नहीं जाता है। वो तो मुझे प्रोटीन पाउडर पीने को मिला है, तो ज़बरदस्ती जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है तब मैं पीती हूँ। और ये आधा गिलास लस्सी बाबू ने पिया, आधा छोड़ दिया, सुबह सुबह का है, कभी पूरा पी लेता है, कभी और भी लेकर पीता है, कभी छोड़ देता है। तो यहाँ पर मैं खीरा को क्रश कर लूँगी इससे, और फिर से दही को मिक्सी में मैंने फेंट लिया है, इसी में ये जीरा पाउडर मैंने बनाया था,
जीरा पाउडर और मेथी पाउडर, ये सब चीज़ का ज़रूरत गर्मी दिनों में बहुत होता है, तो मैंने पन्नी में बांध कर रखा हुआ था। अभी जैसे जो सामान मुझे जहाँ मिलता है मैं उसको उसी तरह से रख देती हूँ। और काला नमक डाल दिया और ये जीरा पाउडर डाल दिया और ये खीरा डाल दिया। अभी मेरे पास चाट मसाला था नहीं और इसको मैं अभी तुरंत बाबू के टिफ़िन में भर दूँगी और जो बचेगा फ्रिज में रख लूँगी। और फिर इधर मैं किचन में कर रही हूँ, उधर मेरा बेटा खुद से ब्रश करता है, पॉटी जाता है, नहाने में पापा मदद कर देते हैं, फिर पापा आयरन करते हैं, ड्रेस में पापा उसको पहनाते हैं। और जब तक वो ड्रेसअप होता है तब तक मैं इधर इसका टिफ़िन रेडी कर देती हूँ और उसको खिलाते जाती हूँ। फिर उसका जो भी बुक वगैरह है बैग में रख देती हूँ। तो उसके बाद गाड़ी आ जाती है तो वो चला जाता है। तो यहाँ पर मेरा दो पनीर पराठा बन गया है। अब पहले मैं बाबू को भेज लेती हूँ, फिर इसको इसी तरह मैं छोड़ दूँगी क्योंकि अभी तुरंत मुझे फिर बनाना है। फिर नहा कर मैं खाना में लगूँगी, देखती हूँ आज क्या कुछ बना पाती हूँ। और यहाँ पर मेरा चावल बन गया है, दाल भी हो गया है, सब्जी मैंने चढ़ा दिया है क्योंकि आलू बॉयल होने उसी समय जिस समय मैं किचन आती हूँ उस समय मैं सोचती हूँ कुछ कुछ कर लूँ। और ये मेरा नाश्ता है, दो पनीर पराठा, रायता और सॉस, और इनको भी मैंने यही नाश्ता दिया था। उसके बाद नाश्ता करके अब मैं ये बनाऊँगी चटनी कच्चे आम का और पुदीना का, इसमें कुछ कुछ डालूँगी ज़रूर। आप लोग देखिएगा सब कोई अलग अलग तरीके से बनाते हैं। और यहाँ पर लगभग 11 बज रहा है क्योंकि ये लेट से जाते हैं, जब बाबू 7:30-8 में निकल जाता है हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। मुझे लगता है कहीं अचानक मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए, अचानक ना हो जाए। तो दाल चावल बना लिया है, उधर मैंने सब्ज़ी भी बना लिया है, दाल में छौंक नहीं लगाई है, नाश्ता करके मैं लेट गई थी। उसके बाद फिर ये लगभग 11:30-11 बजे जाते हैं, तब 11:30 बजे आती है हाउस हेल्पर, 1 घंटा वो रहती है, तब तक बाबू आ जाता है। इस तरह से ये मैनेज करके चलते हैं क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हो जाता है, अचानक से मतलब पूरा पैर हाथ सुन्न हो जाता है, जब तक कोई ग्लूकोज ना दे मिला के या घोर कर, तो जान में जान नहीं आती है। इसीलिए तो ये सोचें क्या कि मैं लेटी हूँ तो ये खुद खाना लेने आ गए, लेकिन इन्होंने देखा मैं चटनी बना रही थी, इन्होंने कहा मैं खुद ले लेता हूँ। लेकिन जब तक मैं खुद से निकाल के नहीं देती हूँ ढंग से अलग दाल अलग सब्जी, तो मुझे संतोष नहीं होता है। लेकिन ये खुद लेने आ गए। और ये जो छोटा छोटा आम देख रहे हैं ये नीचे से लाते हैं, नीचे में आम का पेड़ है, और ये बड़ा वाला तो खरीद कर लाए थे। तो फिर ये चावल थोड़ा गर्म है, फिर मैंने कहा कि दाल में छौंक लगा कर मैं निकाल देती हूँ फिर आप लीजिएगा। तो फिर ये चले गए, मैंने कहा तुरंत मैं चटनी बनाकर आपको देती हूँ। और उसके बाद ये चले गए थोड़ा चावल निकाल के, और उसको मैंने अभी चकला बेलन इसीलिए उस तरह रखा है कि मैं सोच रही हूँ 2-3 पनीर पराठा बना के इनको भी नाश्ता दे दूँ। यहाँ मैं दाल में तड़का लगा लूँगी लेकिन नाश्ता वगैरह इनको देती हूँ तो ये गुस्साते हैं कि इतना नहीं करना है तुमको। और मुझे लगता है कि 15 दिन तक माँ का कर्म किए हैं, काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। मैं भी मायके में रह गई थी तो यहाँ पर मैंने दाल में तड़का लगा लिया, खाना निकाल दूँगी। और चटनी में करना क्या है कि आम है, पुदीना है, कई लोग बहुत सारा पुदीना डाल देते हैं लेकिन मात्रा के अनुसार डालना है। और एक लाल मिर्च मैंने निकाल कर रखा है, और तवे को गर्म करके, तवा चूँकि चढ़ा हुआ था तो मैंने गैस ऑन कर दिया, और उस पर एक चुटकी भर मेथी डाल दिया है। अगर आप मीठी चटनी पसंद करते हैं तो मीठा भी 2 चम्मच डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दाल चावल निकाल दिया है और घी डाल दिया है, ये बिल्कुल शुद्ध घी है, हमारे तरफ का है, भागलपुर का, तो वहाँ से मैं लाई थी। और सब्जी भी प्लेट में निकाल के मैं खाना रख दूँगी ताकि ये दोबारा आए। तो ये बात है, कोऑपरेटिव हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन ये भी मन में होता है कहीं लेट ना हो जाए ऑफिस जाने में, कहीं ये चटनी में तो नहीं लगी हुई है। इसीलिए मैं पहले ही खाना निकाल कर एक साइड में रख दूँगी उधर, ताकि वो आए तो उनको लगे चलो मेरा खाना निकला है। और जब तक टीवी देख रहे हैं तब तक मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर चटनी बना लूँगी। तो तवे पर मैंने मेथी और लाल मिर्च डाल दिया है, आम पुदीना मैंने धुल लिया है, तो अब इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट कर मैं मिक्सी में डाल दूँगी। तो डियर बात है क्या, बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, आप लोग समझ सकते हैं क्या सिचुएशन। और जब तबीयत बिगड़ जाती है तब तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी नहीं। तो आज तो गुरुवार का आप लोग देख रहे हैं, यहाँ तक तो मैं ठीक थी, चटनी वगैरह बनाई, ये मेथी रहा बस इतना, एक पिंच भर मेथी और लाल मिर्च तोड़ कर डाल दूँगी। अगर आपको मीठा पसंद है तो आप मीठा डालिए 2 चम्मच, नहीं पसंद है छोड़ दीजिए। मीठा डालने पर बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट। और थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक डालना है, 2 बूंद चटनी बनने का 2 बूंद तेल डालना है, और बहुत ही टेस्टी ये चटनी बनता है। तो
यहाँ तक मैं ठीक थी, मैंने इनको खाना दिया, ये खाना खाकर निकले और मुझे लगा मैं लेटती हूँ, फिर बाबू काम करने वाली आ गई, वो काम की, उसके बाद फिर बाबू आ गया। मुझे लगता है कभी कभी बाबू तो मेरा बहुत पैर दबाता है, कभी कभी लगता है मैं उनको भी बोलूँ कि आप मेरे से 10-20 ज़्यादा ले लीजिए, लेकिन मेरा पैर दबा दीजिए, फिर मुझे डर लगता है कहीं छोड़ ना दे। लेकिन आज वो खुद बोल रही थी कि भाभी आप मुझे बोलिएगा पैर वैर दबाने, मैं वो भी दबा दूँगी। यहाँ पर मैं काला नमक डाल रही हूँ, तो देखती हूँ कितना दिन तक ये लोग करती है। सब कोई स्थिति को देख कर मन सब कोई बढ़ाती है, लेकिन जो भी हो अभी तो मुझे 2-3 महीना आदमी का ज़रूरत है। तो यहाँ पर अब मैं चटनी रेडी करूँगी, यहाँ पर चटनी रेडी करके इनको खाना दिया, बस वही बता ही रही थी। वो काम करने के लिए आई, काम करके गई, बाबू आया, बाबू को खाना दिया, उसके बाद जो मेरी तबीयत ख़राब हुई, ऐसी स्थिति हुई कि मुझे उठने का मन नहीं कर रहा था। मेरा बेटा पानी के लिए 1 घंटे तक रोता रहा और मुझे उस पर गुस्सा आता था। मैं बोलती थी मेरा पैर दबाओ, बोलता था बिट्टू पानी दे दो, पीने पानी दे दो। मेरी यही स्थिति थी, इस तरह की स्थिति थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। अगले वीडियो में बताऊँगी फिर कैसे क्या हुआ, कैसे तबीयत ठीक हुई, कैसे खाना पीना बना। तो आप लोग जो भी पुराने हैं वो तो देखते ही हैं, सपोर्ट करते ही हैं, वीडियो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। जो नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थोड़ा सा डर तो लगता है इस तरह का सिचुएशन में, मैं बहुत जल्दी डर जाती हूँ, मुझे एक इंजेक्शन से भी डर लगता है। और यहाँ पर मैंने खाना निकाला तो मुझे लगा मैं इनको रायता दे दूँ, लेकिन इन्होंने कहा रायता मेरा रोटी में खाऊँगा। तो फिर मैंने सोचा इतना दही है क्या होगा, दही भी इनको दे देती हूँ प्लेट में निकाल के, एक बार बढ़िया से खा के चले जाए, फिर मैं टिफ़िन के लिए 2 पराठा बना के पैक करके दे दूँगी। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी डियर। इसके आगे तो मैं ठीक ही नहीं थी तो क्या बताती और क्या बनाती वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो को भी इन्जॉय किया होगा डियर। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, बने रहिए इस चैनल के साथ। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल।